हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कल हमने हार्वेस्टर से अपना धान कटाई किया था, तो उसमें किनारे किनारे में थोड़ा छूट गया था, तो उसको मैं हसिया से काटने गया था। अभी थोड़ा ही हुआ है, फिर भी जाना पड़ता है। और हार्वेस्टर में जो धान कटाया था उसको हमने आंगन में रख दिया है। ये देखो इतना हुआ है, 18 डिसमिल का। और ये वाला धान मैं सुबह अभी लाया, छोटा छोटा काट के बचा था किनारे किनारे में उसको। ये वाला और आज बनेगा हम लोग का पैना भाजी, रात्रि कालीन वाला तिवरा भाजी, साथ में बैंगन टमाटर। बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। ये रहा हम लोग का पिगन का हीटर, सस्ता पड़ा था, 1200-1300 का। ऑनलाइन लिया था मैं फ्लिपकार्ट पे। हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पे आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हो तो उसमें जब वो वारंटी पीरियड में ख़राब हो जाता है तो उसे सर्विस सेंटर पे ले जाना, रिपेयर करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरा सजेशन है आपको कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लें तो उसको या तो आसपास में उसका सर्विस सेंटर है तो ही लें, या फिर ऑफलाइन में ही लें। ऑनलाइन में लेने की गलती ना करें, मैं पछता रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक बार वो ख़राब हो गया इंडक्शन, सॉरी दो बार ख़राब हो गया। पहले बार ख़राब हुआ था तो 10 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी होता है, उससे मैंने रिटर्न कर दिया। लेकिन जब दूसरे बार ऑर्डर किया तो जो रिटर्न डेज होता है 10-15 दिन का, वो भी ख़त्म हो गया था। तो इसलिए वो रिटर्न नहीं हो पाया और मुझे उसे इधर पास में बनवाना पड़ा इलेक्ट्रॉनिक के शॉप। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कोई चीज़ बाय करते हैं तो देख लें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर बाय करते हैं तो आसपास में देख लें कि उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी परचेस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है बाद में। सर्विस सेंटर वाले लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ईमेल करने पर उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं। तो फिर सस्ता सामान तो दे देते हैं लेकिन ख़राब हो जाता है तो क्या मतलब का। ये लाइफ लॉन्ग का मिक्सर ग्राइंडर है, जैसे मैंने ऑफ़र के तहत 1100 में मंगाया था, तो मुश्किल से मैंने इसे 4-5 बार ही यूज किया था। तो एक दाल का पिसाई, उड़द दाल का पिसाई कर रहा था मैं, तो ये मोटर जो है जल गया। इतना ख़राब प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी मत ख़रीदना। और जब मैं सर्विस सेंटर पे कॉल किया तो वो लोग कॉल रिसीव नहीं किए। इसीलिए ऑनलाइन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बिल्कुल भी ना परचेस करें, उससे अच्छा बजाज का ऑफलाइन ले लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। बजाज या कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड का ऑफलाइन दुकान में ले लो, क्योंकि उसे आप ख़राब होगा तो दुकान पे जाकर रिटर्न कर सकते हैं। और ये सर्विस सेंटर वाले तो कॉल रिसीव भी नहीं करते हैं, तो इसको ख़रीदने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये फर्श का आज थोड़ा साफ सफाई भी हो गया है कुंती के द्वारा। और ये ब्लाउज जो है काज बटन के लिए कुंती ने रख दिया है, तो मैं ही कर दूंगा, क्योंकि काज बटन का काम ज़्यादातर मैं ही करता हूँ। और ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, गांव का व्यू, गली का व्यू, कैसा लग रहा है बताओ। और यहाँ पर कुंती कुछ बोलना चाहती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक है ना? हम भी ठीक हैं, सर्दी जुकाम है थोड़ा, ठीक है। अब हमारा सिलाई करेंगे, अब हम तैयार हो चुके हैं। यह फ्रेंड सेमी का जो लता होता है, नार, आप लोग तो जानते ही होंगे। बड़ी को ड्राई करने का आज हम लोग का सेकंड डे है।
और यहाँ पर तिल को सुखाया जा रहा है। तिल ये देखो फ्रेंड्स, हमारे गांव में जियो का टावर भी है। जूम करके दिखाया हूँ, थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा। अभी सेमी में फूल लगा है, फल अभी नहीं लगा है, तो जब फल आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसका भी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये है फ्रेंड्स मेरा बाथरूम। जुगाड़ वाला इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इसे तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में डोड़का बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो बताना। एक और यूनिक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये छोटा वाला टमाटर जिसे हम लोग चिरपोटी टमाटर बोलते हैं, और ये छोटा वाला गोल वाला मिर्ची जो रेड कलर का हो गया है पककर, और ये कच्चा है, दोनों हैं रेड और ग्रीन। रेड वाला कच्चा है, सॉरी ग्रीन वाला कच्चा है, रेड वाला पक्का। और ये देख लो हमारे आंगन में भी कोने में लगा दिया गया है पपीता का पेड़। सब्जी गरम कर रही है खाने के लिए। आ जाओ दोस्तों खाएंगे। ये देख लो ब्रेकफास्ट में आज चावल और आलू टमाटर का चटनी है। जैसे कि बताया था, सुबह धान जो बचा था किनारे किनारे में उसे काटने चला गया था, तो मैं अभी नहाया नहीं हूँ तो लेट हो रहा है मुझे भी। चलो मैं भी नहाने के बाद मिलता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये अनाज की बोरियाँ रखी हुई है धान की, और नीचे चूहों ने गदर मचा रखा है, पूरा इधर हिला के रख दिया है अंदर का ज़मीन को खोद खोद के। ये देखो कितना गड्ढा हो गया इधर, और माँ इधर मिट्टी को निकाल के रखी है साइड में। ये देखो कितना सारा मिट्टी निकाल दिया चूहों ने, पूरा घर का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ITI से आकर खाना वाना खा लिया हूँ, और ब्लॉग मैंने सुबह स्टार्ट किया था और अभी शाम को उसको एंड करूँगा, और थोड़ी देर बाद इसको एडिट करके अपलोड भी करना है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी।